टीवी इंडस्ट्री की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री शिवांगी जोशी काफी खुश मिजाज अभिनेत्री हैं, जिन्होंने बेहद संघर्ष करके टीवी इंडस्ट्री में अपना अच्छा नाम बनाया है और लाखों करोड़ों फैंस के दिल में अपने लिए खास जगह बनाई है। यही वजह है कि सभी दर्शक शिवांगी जोशी के बारे में ज्यादातर बातें जानते हैं। लेकिन दोस्तों, शिवांगी जोशी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में इनके अलावा ज्यादा लोग नहीं जानते, पर आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको वो सारी बातें बताकर शिवांगी जोशी की रियलिटी के बारे में बताने वाले हैं। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभिनेत्री शिवांगी जोशी टीवी इंडस्ट्री की एक सक्सेसफुल अभिनेत्री हैं, जिनका जन्म 18 मई 1998 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, जहां से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शिवांगी जोशी एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए अपनी मम्मी के साथ मुंबई आ गई, जहां पर आकर शिवांगी जोशी ने सालों तक बहुत स्ट्रगल किया और काफी दिन के बाद 2013 में खेलती है जिंदगी आंख में चोली सीरियल मिला, जिसमें इन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस कर दिया। इसलिए आगे चलकर शिवांगी जोशी को बेगूसराय सीरियल का ऑफर हुआ, मगर इस सीरियल से शिवांगी जोशी को बीच में ही निकाल दिया गया, ये कहकर कि उनकी एक्टिंग बकवास। लेकिन शिवांगी ने इससे हार नहीं मानी बल्कि अपनी मेहनत जारी रखी। इसलिए आगे चलकर शिवांगी को ये है आशिकी, प्यार तूने क्या किया और रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सीरियल मिले, जिनमें से इनका सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है इतना पॉपुलर हुआ और इनके किरदार नायरा को लोगों ने इतना प्यार दिया कि एक सीरियल से टीवी की सुपरस्टार बन गई, जिन्हें हर कोई अपने सीरियल में कास्ट करना चाहता है। इतना ही नहीं इसके बाद शिवांगी जोशी को बालिका वधू सीजन 2 के साथ साथ कई सारे म्यूजिक एल्बम में काम करने का मौका मिला, जिनमें दर्शकों ने इन्हें खूब पसंद किया। और वहीं बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो बता दें कि कुछ समय पहले तक तो शिवांगी जोशी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अपने को एक्टर रहे अभिनेता मोहसिन खान को डेट कर रही थी, मगर अब खबरें हैं कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और ये सिंगल लाइफ जी रही है। तो दोस्तों, आप सभी को शिवांगी जोशी के रियलिटी के बारे में जानकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।